हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाऊंगी कि मैं कोई भी जीके का क्वेश्चन या आपको याद नहीं होता मैट्रिक के सही था इसको बनाऊंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन होगा उसको क्लिक करेंगे तो अपने आप चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी जरूर करें जिससे और सभी स्टूडेंट को इसको फ़ायदा मिल सके। कोई भी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी UPSC एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। मैं ये ट्रिक बनाई हूँ और आप इसे याद बहुत जल्दी कर लेंगे। मैंने इसको बनाया, मैंने भी याद कर लिया, बहुत जल्दी मुझे याद हो गया। अब मैं पुराण और उसे किस वंश से संबंधित है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे। कृष्ण भगवान विष्णु जी का अवतार है जो कि मोर पंख लगाते थे, इसको ऐसे जोड़ लेंगे। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मौर मतलब मोर पंख लगाते थे, ये ऐसे हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब मत्स्य पुराण, मत्स्य आंध सातवाहन से संबंध है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। आंध्र प्रदेश में मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में मछली बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मत्स्य माने मछली, आंध्र पर सातवाहन मतलब आंध्र प्रदेश को उससे जोड़ देंगे, आपको इससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, तो इसको कैसे याद करेंगे। वायु हमेशा गुप्त रहती है, जो दिखाई नहीं देती है, वायु कभी भी नहीं दिखाई देती है, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। वायु हमेशा गुप्त रहती है, जो कभी नहीं दिखाई देती है, वायु पुराण गुप्त वंश। इतनी इजी ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अगर आपको मेरा चैनल पर वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को और लाइक करें और शेयर करें। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती रहूँगी, रीजनिंग का ट्रिक और GS का ट्रिक मैं बना बना के डालती रहूँगी, आप सभी को इसका बेनिफिट मिल सकेगा। थैंक यू, बाय बाय।